एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शहनाज और आज जो भी वीडियो शेयर करने वाली हूं वो है एक होम रेमेडीज टैन रिमूविंग फेस पैक। तो गाइस, इसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जो घर पे है ना, आप उसी को यूज़ करके आपके जो टैनिंग हो गए हैं ना, उसको पूरी तरह तो नहीं, एक बार पर तो नहीं हटेगी, आप वीकली दो तीन दिन यूज करोगे ना, मतलब वीकली दो तीन बार यूज करोगे तो टैन सच में रिमूव हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, मुझे इसने 100% तो नहीं बट 80% रिजल्ट। तो गाइस, वो फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, पोटैटो को बॉईल करके आप उसके छिलका निकाल कर, उसका छिलका निकाल कर ऐसे मैश कर लेना है, ऐसे इस तरीके से जैसे मैंने मैश किया हुआ है ना, ऐसे मैश कर लेना है। और इसमें हम ऐड करेंगे दही, एक चम्मच दही और एक चम्मच हनी। आप चाहो तो सिर्फ पोटैटो को ऐसे पील करके, ऐसे मैश करके इस पर दही डाल के भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं हनी इसलिए ऐड कर रही हूँ उसमें, क्योंकि हनी थोड़ी स्किन को मॉइस्चर देगा, जैसे जिसकी स्किन थोड़ी ड्राई है ना, उसको थोड़ा स्किन थोड़ी मॉइस्चर हो जाए। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक चम्मच दही। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हो। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक चम्मच, नहीं है एक चम्मच से थोड़ा कम, क्योंकि ये थोड़ा चिपचिप होती है ना, तो ज़्यादा ऐड करने से थोड़ी सी ये हो जाएगी, इसीलिए मैं इसे हाफ टी स्पून ऐड करूँगी। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हनी, इतना समय ऐड करूँगी इसमें हनी। तो गाइस, आपको पता होगा पोटैटो में ना स्टार्च होते हैं, जिससे एजिंग की समस्या और कालेपन से छुटकारा मिलता है, और यह ब्लीचिंग का भी काम करता है गाइस। तो ये आलू का जो, ये पोटैटो का जो रस होता है ना, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। उसमें जो स्टार्च होता है ना, उसकी वजह से जो हमारे फेस पे जो टैन हो जाती, टैनिंग हो जाती है ना, वो निकलने में, टैनिंग हटने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये पोटैटो। तो गाइज़, ये फेस पैक ना आप लोग प्लीज़ ट्राई करो। गाइज़, जिसकी स्किन ऑयली है ना, प्लीज़ दही की क्वांटिटी ना इस फेस पैक में ना आप कम करके डालना, तो आपके लिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा। क्योंकि दही होती है ना थोड़ी ऑयली होती है, तो फिर उसकी वजह से आपके ऑयली स्किन के लिए और भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए दही की क्वांटिटी कम करके डालना इस फेस पैक में। अब देखो, मैंने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लिया। अब मैं इसे ना थोड़ी देर ड्राई करने के लिए, पूरा ड्राई नहीं करना है, मैं इसे 10-15 मिनट्स तक अपने फेस पे रखूँगी। तो मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। तो गाइस, 15 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसे क्या करूँगी ना, हल्के हल्के से मसाज करूँगी, हल्का मसाज करूँगी, ऐसे ऐसे करके रब करूँगी और इसे वॉश करूँगी। देखो, मैंने वॉश कर दिया है, आप देखो सामने में, आपके सामने में रिजल्ट है। कुछ तो डिफरेंस है ना, जैसा मैं लगाने से पहले, ये फेस पैक अप्लाई करने से पहले जो मेरा स्किन था, और अभी मैं थोड़ा, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ इतना सारा, मैं मेरे जितने भी टैनिंग थे वो सारा निकल गया, बट थोड़ा तो डिफरेंस है, आप देखो खुद ही देखो, कुछ तो डिफरेंस है। 80% ना सही बट 50% तो इम्प्रूव हुआ मेरा स्किन। गाइस, तो देखो मुझे अपनी स्किन बहुत अच्छी लग रही, तो बहुत सॉफ्ट लग रही है, सॉफ्ट सी और क्लीन भी लग रही है, स्किन क्लीन लग रही है, काफ़ी क्लीन से लग रही है, सॉफ्ट सा लग रहा है मुझे। एक तो हनी ने थोड़ा सा मेरे स्किन को मॉइस्चराइज कर दिया। तो काफ़ी, तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी, इतनी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसी और वीडियो, कुछ और होम रेमेडीज देखनी हो अपने फेस से रिलेटेड,
तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊँगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।